मेरा जुनून, दौलत मेरा नशा, खौफ मेरा हथियार। कदमों में दुनिया है, इशारों पे किस्मत और बाहों में। दाऊद हाजी मस्तान के लिए काम करता था, पर वो काम करने नहीं आया था। दाऊद का मानना था कि हाजी मस्तान की इमेज ही है गैंगस्टर की। वो गैंगस्टर नहीं है, कभी वो बंबई पर राज नहीं कर सकता। दाऊद के दिमाग में एक प्लान आया। वो 19 साल का था उस वक्त। प्लान डेयरिंग था। हाजी मस्तान की एक अटैची मरीन लायंस से होकर मालाबार हिल्स तक जाती थी। इसमें 5 लाख रुपए थे। सारा ज्ञान फिल्मों से आया था। जब गाड़ियों को फॉलो करने का काम शुरू हुआ तो नेटवर्क टूट गया। सारे लड़के इधर उधर हो गए, दाऊद को छोड़कर। किसी तरह वैन को दाऊद ने रोक लिया और अंदर घुस गया। बोला, टाइम नहीं है मेरे पास बात करने को, माल कहाँ है। उसके चेहरे की वहशियत देखकर बूढ़े लोगों ने पैसा सौंप दिया। इसके पहले दाऊद के साथ के दो लड़के वैन में घुसने से डर रहे थे, पर दाऊद ने सबको कह दिया था कि हलक से आवाज निकली तो ये आखिरी आवाज होगी, क्योंकि मैं गला काट दूंगा। माल लूट लिया था, पर ये माल हाजी मस्तान का नहीं था, ये मेट्रोपॉलिटन बैंक का था। मुंबई में हुई ये पहली बैंक डकैती थी जिसे दाऊद ने अनजाने में अंजाम दिया था। पता तो चल ही जाता, पर इसके पहले दाऊद के घर पर कांड हो गया। दाऊद के पिता इब्राहिम कास्कर कांस्टेबल थे, उनकी ईमानदारी के कायल पुलिस वाले भी थे। कास्कर के बेटे को रात भर पुलिस वाली बेल्ट से पीटा गया। पूरा मोहल्ला रात भर दाऊद की चीखें सुनता रहा। इब्राहिम सुबह को उसे थाने ले गए। पुलिस वालों ने दया दिखाई, पर इन सबके बीच दाऊद इब्राहिम का जन्म हो चुका था। ऐसे ही कहानी दोस्तों आपको देखने को मिल सकती है डॉन 3 में। आज की कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही आपके लिए एक महत्वपूर्ण खबर, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए इस जॉब लिंक पर क्लिक करिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तब तक के लिए मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।